हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में ये सरफेस और वॉल्यूम का एरिया चल रहा है जो कि 25 चैप्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है जैसे कोई सतह होती है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसके बाहरी जो परत होती है इसका अगर हम एरिया निकालें, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसके बगल वाली जो ये एक साइड ये हो जाती है इसका एरिया निकालेंगे, फिर उसके बगल में एक और साइड होती है उसका एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले साइड का एरिया, बगल वाले की, फिर नीचे वाले की, सारी साइड का जो एरिया फाइंड आउट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे उसको? सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरफेस एरिया होता हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जितनी साइड होती है, जैसे एक साइड ये होता है, दूसरी साइड क्या होती है? ये वाली होती है, और तीसरी साइड क्या होती है? ये होती है। ठीक है, तीन साइड यानी कि लंबाई, देखिए ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई? लंबाई। तीनों साइड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का जो एक फार्मूला होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू होता है टू ब्रैकेट में एल मल्टीप्लाई बी, सॉरी, देखिए एल एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये क्या होता है? ये सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, इसी के आधार पर सारे सरफेस एरिया निकलेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए सॉरी एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसी पर आधारित जितने भी इस क्वेश्चन होंगे इसी में ये जो फार्मूले हैं इनको आप लोगों को याद करना होगा। इनको याद किए रहोगे तो सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे हो जाएंगे। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं यही सारे फार्मूले। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये फार्मूले आपके दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवेन बिलो। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज और होती है जो क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब, उसके सारे साइड क्या होते हैं? उसके सारे साइड इस तरीके से क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या बन गया? ये क्यूब बन गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी साइड्स होंगे सभी साइड्स क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो ऐसे में जो इसका सरफेस एरिया बनता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द क्यूबाइड डायमेंशन गिवन बिलो। डायमेंशन दिया हुआ है, उनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए फर्स्ट का ये दिए हुए हैं सरफेस एरिया, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, तो इस तरीके से अगर हम सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करें,
तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई, देखिए 2 पहले लगाएंगे, 2 फिर 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ओके, अगर अब हम इसको जोड़ दें सभी को तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2 से, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है इनको अपने से लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा, ऐसे ही लगेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। यहाँ पे क्यूबाइड दिया हुआ है, सॉरी क्यूब्स, क्यूब्स के सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स है, सॉरी क्यूब्स इक्वल टू होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 384। ओके, क्या हो जाएगा? 384 हो जाएगा। अब इसमें सब में मल्टीप्लाई क्या कर देना है? 6, और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देना है 6। इसका कर देना है स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देना 6। ओके, फिर कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक अभी बात हो रही थी, तो जब हमको साइड दिया रहता था तो हम उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते थे। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया दिया रहेगा और उसकी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? उसकी साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक सूत्र बनाना होगा, जो कि वही पुराने वाले सूत्र से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 96। देखिए ये क्या है? ये सरफेस एरिया का फार्मूला है, ये सरफेस एरिया है। ठीक है, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा 94, 96 अपॉन 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब। एक लकड़ी का बॉक्स है जो कि किसके क्यूब के शेप में है। इफ द एज ऑफ बॉक्स इज 25 सेंटीमीटर तो उसका क्या सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो वही है जैसे पहले क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 6 × 25 × 25 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 625, ठीक है। तो 6 × 5 जा कितना हो जाएगा, 30 का 0 करी आएगा 3, 6 × 2 जा 12, 12 × 3 15 का 5 करी आएगा 1, 6 × 6 = 36 और ये कितना हो जाएगा, 37। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3750 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। फिर करा अगला, फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑल राउंड आउटर सरफेस ऑफ बॉक्स विथ साइड विथ लिड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। टू पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपए लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा इसका सरफेस एरिया, और फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है ये। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल टू